हिट एंड रन का जो लॉ है, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत करा था, मैं स्पीच भी डाला उसकी। क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे, ये क्या है भाई, ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप? ठीक है वो गलत है, क्राइम है, मगर 10 साल कैसा करेंगे आप? और उसमें आप बेल नहीं होंगी। मैं उस वक्त वार्न करा था लोकसभा में मेरी स्पीच में, मगर 306 आपके, आप लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे पैर ही नहीं है आपके। अब जब पूरे ट्रक ड्राइवर्स निकल गए और पूरा शहर जाम हो गए, शहरा जाम हो गए, रोड पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, तो जब इनको ख्याल आया, क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह आवाम रोड पे निकले, डरते हैं लोग? अबे पार्लियामेंट में हम बोले आपको वार्न करे, मत करो ये काम आप, मगर आप नहीं सुने। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो नया तीनों फौजदारी के कानून लाए, ये रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह रहते तो बोलते ये तो रोलेट एक्ट है, ये इससे बहुत नुकसान होने जाएंगे, बहुत से परेशानी होने जाएंगे, आप देखना इसका गलत इस्तेमाल होगा बहुत। सर गिरिराज सिंह ने बात करते हुए कहा है कि सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी, अभी बहुत और कुछ बाकी है, ये बताया है सर, इस पर क्या कहेंगे? तो हम चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके इस बयान पर बता दें कि सच है। जब उनका कैबिनेट का मंत्री इस तरह की बकवास कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इस मिनिस्टर के बयान की तस्दीक कर दें, वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है क्या? क्या आप काशी मथुरा टीली वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हज़ार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर देश को बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है। क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया, और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गईं, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है, और हमको इस बात का उस वक्त अप्रिहेंशन था जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट जैसा जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है, और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया, तो पहले वहाँ पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं, तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। ना असदुद्दीन ओवैसी ही इस मुल्क का सबसे बदनाम आदमी है, बाकी सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। मुझे अपनी बात करने का अख्तियार है, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मुझे अपनी बात रखने का अख्तियार देता है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो कान में रुई लगा लीजिए आप, मगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप डिसएग्री करिए, मगर आप बोलेंगे नहीं, आप नहीं, तुम नहीं बोलना, हम वो कर देंगे। अरे भाई क्या करेंगे आप?